अभी तो मैं स्टेज पे जाने वाली हूँ, थोड़ा नर्वस भी हूँ लेकिन एक्साइटेड भी हूँ, और मुझे अपना बेस्ट देना है और अपने मम्मी पापा के साथ पूरे मोरेगांव लोगों को प्राउड फील कराना है। मोरेगांव के सारा लोग हम लोगों का जो स्प्रिट है ना, खुद का बच्ची मानता है। हम बहुत खुश नसीब है कि हम मोरेगांव के लोग हैं। स्प्रिहा मोरेगांव की बेटी है। हेलो, आई लाइक हर आउटफिट, लुक एट हर एब्स। किकी, यस, कैसी है तू? अच्छी हूँ सर। आपके साथ मम्मी, मम्मी जी। हेलो सर। तो मम्मी जी बताइए कैसा रहा मेडल के बाद? बहुत अच्छा। ओ, क्या है उसका परफॉर्मेंस के बाद हम गांव गए थी, और गांव जाके उस लोग घर में रहने का टाइम ही नहीं मिला उसको। एक्चुअली अभी भी वो लोग कनेक्ट है, आप लोगों का इजाजत हो तो कनेक्ट कर सकते हो क्या? और एक स्पेशल उसके लिए सरप्राइज भी है। अच्छा, सब ऑनलाइन देख रहे हैं? हाँ। अरे अरे, कनेक्ट करते हैं, मजा आता है आपके मोरेगांव वालों से बात कर कर। अरे ये क्या हो रहा है? हवन, हवन हो रहा है। एक्चुअली क्या हो रहा है, आज सबको पता चलाना है क्या है, फाइनल एडिशन है, तो उसके लिए वो लोग किकी के लिए हवन कर रहे हैं क्योंकि वो टॉप 12 में सिलेक्ट हो जाए, इसलिए। Wow, Kiki, you're so lucky. Namaste. Namaste, sir. Namaste, ma'am. Namaste, namaste, namaste. अच्छा Kiki, तुम्हें ये पता था हवन हो रहा है तुम्हारे नाम पे? मुझे पता ही नहीं था। कुछ बोलना है आपको अपने गांव वाले से किसी को? गांव वाले से तो सिर्फ और सिर्फ बहुत बड़ा थैंक यू। लोगों का इतना सपोर्ट है मेरे साथ, क्योंकि वही लोग हैं जो मुझे यहाँ तक लाए हैं। सारे जहाँ से प्यारी मेरे भारत की बेटी। मैंने तो सोचा था कि मेरा सफर तो मोरेगांव से गुवाहाटी तक ही है, लेकिन उन लोग ने बोला कि नहीं, तुम्हारा सफर मुंबई तक है, तुम सुपर डांसर पे ऑडिशन दो। इसके वजह से मैं यहाँ पर पहुँची। अच्छी है, कितनी आर्टिकुलेट है ना, कितनी सफाई से अपनी बातें बोलती है बच्ची। तो मोरेगांव की किकी, मोरेगांव और हम लोग साथ में तेरा परफॉर्मेंस देखते हैं, ठीक है? हाँ। चलो सब लोग प्रार्थना कीजिए कि स्प्रिहा का जो एक्ट है वो बहुत अच्छा जाए। ओके, थैंक यू मैम। ऑल द वेरी बेस्ट। में तेरे नग्न में दिल मेरा लगे के
प्रिया। हाँ सर। हिला दिया आपने तो एकदम। थैंक यू सर। बेटा तुमसे तो बहुत बातें करनी है, पूरे सीजन बातें करनी है, मेरी तरफ से तो बिग यस। थैंक यू सर। प्रिया मैं जब आपको देखती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है आप कोई कमाल के बच्चे हो, मतलब जो आप चीज़ें करते हो ना, जैसे दादा इससे पहले बोल रहे थे कि आप कितनी आर्टिकुलेट हैं, आप कितनी सफाई से बात करती हैं, उतनी ही सफाई से आप डांस करती हैं। कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल मतलब इट जस्ट फ्लोज, जो ओपनिंग था ना आपका, जहाँ पे आपने इसके सिवा जब पैर सो मच ऑफ कंट्रोल, हर कोर स्ट्रेंथ इज सो गुड, एंड एक फ्लूइडिटी है आपके मूवमेंट्स में, और एक जब आप परफॉर्म करते हो तो ऐसा शक्ल पे बिल्कुल कोई एफर्ट नहीं है, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, इट्स अमेजिंग टू वॉच यू डांस। थैंक यू। अमेजिंग, गॉड ब्लेस यू, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका। स्प्रिया का मतलब क्या होता है? एक चीज जो जानते नहीं है, जैसे मैं कुछ स्टेप नहीं जानती, उसे मतलब करने के लिए जो होता है ना, तमन्ना। तमन्ना, ये हमारी सारी तमन्नाओं को पूरी करने वाली है। आई रियली होप आप सिलेक्ट हो जाएं, और इतने सारे लोग आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, दुआएं तो लगती हैं। हाँ, आई एम श्योर। You're really amazing. All the very best. मेरे लिए ये परफॉर्मेंस सुपर से बहुत 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 ऊपर वाला। Thank you. कैसा लगा आपको कीकी का परफॉर्मेंस? ये सबको अच्छा लगा। कितने लोग हैं वहाँ पे? दो तीन चार लोग हैं सर। अरे बाप, अरे बाप रे, नो वंडर इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया स्प्रिया ने, वहाँ से एकदम दुआएं लगी इसको। सनम हैज गॉटन अप एंड अपने एज पे आ गया है सीट के। क्या हो गया सनम? मतलब वेरी ऑनेस्टली बोलती तो बंद हो गई है, मतलब जैसे जो उनकी दुआएं लग रही हैं, जो भी हवन चल रहा है और ये सब, आई थिंक गॉड ब्लेस यू, गॉड इज एक्चुअली ब्लेसिंग यू राइट नाउ, और हम सबकी ब्लेसिंग, सब जजेस की ब्लेसिंग आपके ऊपर है। थैंक यू सर। सनम, एब्स, कोर स्ट्रेंथ, और इनके पास ना भंडारे में है, मतलब वो पूरा जो सुपर मूव्स का भंडारा है इनके पास, आप कर पाओगे क्या? सीख जाऊंगा। सीख जाओगे नहीं, अगर है हिम्मत तो आके एक सुपर मूव करके दिखाओ। तो आसान है, तो हम भी देखें कि है ना। I'll try. I'll try. स्प्रिहा। हाँ। हाय, आई थिंक साउंड भी दे दीजिए, और आप पूछ लीजिए आप कौन सा सुपर मूव करवाना चाहती हैं सनम सर को, बताइए। जो आप जो पैर से दही फेंटती है ना, दही फेंटने वाला स्टेप बताइए, दही फेंटू स्टेप। हाँ, ये पैर से पैंट पैंट फटे। एक चीज सिमिलर है, एब्स देखो, वो ही दिखा दो। स्प्रिहा अपने एब्स दिखाओ। ये देखो, माता ने बुलाया है। हेलो मैम। हेलो। हेलो सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशिका राजपूत है। आपका नाम अंशिका राजपूत है, और आप कहाँ से हो? मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ। अच्छा, चलो आपका डांस देखते हैं।
से आ रहे हैं डांसर। हेलो, आपके चरण कहाँ हैं? मैं छू लूं? अरे वाह, मत करो, पाप लगेगा। वेरी नाइस। बड़े कलाकार छोटे कलाकारों के पैर नहीं पड़ते। तो आपके साथ कौन आए हैं? आई आई सस्टेज पाई। जो बहुत अच्छा लगा ये फिनिशिंग जो किया। और एक बार एक बार एक बार कमाल किया। आ, 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 दादा दैट फर्स्ट जॉब, मतलब उधर ही मेरा मतलब दिल जीत लिया था आपने। वो जितना पीस था ना कड़क, और फिर एक चांद किया आपने, मतलब ऐसा मस्त कड़क डांसर हो, एकदम कड़क मस्त स्टुपेंडो डांसर हो, फैंटेबुलस डांसर हो, मैजिकल डांसर हो, माइंड ब्लोइंग डांसर हो। थैंक यू मैम। हेलो। हेलो। हाय। हाय। नाम क्या है? मेरा नाम कुणाल शर्मा है। कुणाल शर्मा। यस। कहाँ से हो? मैं ग्वालियर से हूँ। आप ग्वालियर से हो? कितने साल के हो? यस मैम, 7 साल का। 7 साल के हो? यस मैम। आपकी एंट्री मुझे बड़ी अच्छी लगी, ऐसे कॉन्फिडेंटली आए आप अंदर एकदम हीरो की तरह। आपका कोई फेवरेट हीरो है? मैम मेरा फेवरेट हीरो वरुण धवन है। आज कौन सा गाना करने वाले हो? राम जी की चाल देखो। लेकिन वो तो रणवीर सिंह का गाना है। चलो फिर हमको डांस दिखाना। ओके ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। यू आर वेलकम। थैंक यू मैम। बहुत बहुत अच्छा, बहुत एनर्जी के साथ किया आपने। नचपन 100% है आप में। पापा जी नमस्कार। नमस्कार। बहुत गुणी है आपका बेटा। मत रोइए, इतना अच्छा है स्टेज पे आइए, प्लीज मत रोइए। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते मैम। आई होप ये खुशी के आंसू हैं। मैम खुशी के भी आंसू हैं, और मेरा बच्चा अगला आता है तो मतलब मेरे आसपास वाले भी मतलब काफी इसको चढ़ाते थे, और ये मतलब रोता था कि और बच्चों की तरह क्यों नहीं बोलता।
कुणाल के मुंह से माँ शब्द सुनने के लिए मुझे 3 साल का इंतजार करना पड़ा। जब मुझे ये पता चला कि काफी बच्चे जल्दी बोल लेते लेकिन कुणाल नहीं बोल पा रहा था, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा इसके जीभ में तातू है तो इसलिए नहीं बोल पा रहा है। ये काफी डॉक्टर से इलाज करा लिया था, कर्जा लेके भी इलाज कराया मैंने, अपना जेवर भी बेच दिया था, लेकिन बहुत उम्मीद से बचाया, तब जाके ये यहाँ तक पहुंचा। उसने स्कूल जाना स्टार्ट किया। एक दिन वो रोते हुए घर आया और बोला मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। क्लास में मैम सबसे रीडिंग करवा रही थी तो मेरी बारी आई तो मैं सही से रीडिंग कर नहीं पा रहा था, अटक अटक के बोल रहा था, तो मतलब वो लोग मैम के सामने तो मेरा मजाक नहीं उड़ा सकते हैं। तो जब हम बाहर लंच होता था तो वहाँ पे वो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, तो मेरे को बुरा लगता था। दुनिया के लिए कैसा भी हो पर मेरे लिए काफी अच्छा है मेरा बेटा। अकला रहा है तो अभी ठीक है, नहीं अकला है तो अभी ठीक है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।